Hello everyone, today we will discuss. So here will be based upon by parts, I mean based upon by parts पर आज डिस्कस करेंगे. मतलब आई लेट रूल जब मेरा फेल हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर, तो उसके लिए मैं दो रूल्स यूज कर, मतलब अलग से आता है ये पार्टिकुलर कोई है, ठीक है. तो बेस्ड अपॉन ये बाय पार्ट्स पर है, तो इसको हम देखेंगे कि अगर मैं दो कोई, ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो दो फंक्शन है दो, लेकिन प्रोडक्ट में ये भी तो मेरा क्या हुआ, इंटीग्रेशन में पार्ट्स हुआ. बट इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मेरा कुछ टर्म्स है, तो इसको ध्यान में रखना है. तो मेरा यहाँ पर क्या है, इफ बोथ द फंक्शन इज अलजेब्रिक देन टेक फंक्शन. मतलब मेरा क्या, कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक, और मेरा दो फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम कैसे मतलब लेंगे, फर्स्ट या सेकेंड. तो फर्स्ट फंक्शन खोज, मतलब फर्स्ट फंक्शन हम उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशियल क्या होगा, सिंपल होगा. जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो उसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और जिसका डिफरेंशिएशन हार्ड होगा उसको हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन. तो मेरा पहला ये है, इसको ध्यान रखना है. अगर कोई मेरा यहाँ पर क्या लिखे, बोथ फंक्शन आर ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी मेरा दो फंक्शन क्या होना चाहिए, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक होना चाहिए, ठीक. देन टेक फंक्शन, तब जो हम फंक्शन को फर्स्ट और सेकेंड लेंगे एज द सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन क्या हो, सिंपल हो. देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, तो मतलब इसका सिंपल है, इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, फिर फर्स्ट इसको मानेंगे. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि अगर कोई दो अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक, तो सिंपल से बात है, अगर कोई दो अलजेब्रिक फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में है और दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स पर टूटेगा ये. आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, एक्स प्लस फोर इक्वल टू जेड लेट करके सब्स्टिट्यूट मेथड से, ठीक है. बट इसको हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स पर तोड़ के आपको दिखाते हैं. तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ से तो हम पहले मैं फार्मूला क्या लिखा है कि हम पहले को ब्रेक करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है. मतलब फर्स्ट फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे और सेकंड क्या लेंगे, इंटीग्रेशन. तो फर्स्ट को हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पर आई इक्वल टू लिख लीजिए इसको, यहाँ से यहाँ पर स्पेस नहीं है इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स को ब्रेक करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन. आप एक्स प्लस फोर को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस फोर पावर हाफ डी एक्स, फिर माइनस, फिर यहाँ पर आइए और यहाँ पर कोट दीजिए और देखिए जिसको हम ब्रेक करेंगे उसका क्या डिफरेंशिएशन लेंगे. तो डी वाई डी एक्स और एक्स का ले रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन जिसका यहाँ पर करेंगे उसका भी यहीं पर करेंगे डी एक्स, फिर यहाँ पर कोट डालिए ये, जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं उसका भी हम यहीं पर करेंगे, ठीक है. उसके बाद देख लीजिए x है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, i इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस फोर पावर हाफ है प्लस वन, फिर डिवाइड वही कम करेंगे, x प्लस फोर पावर वन बाय टू प्लस वन डिवाइडेड वन बाय टू प्लस वन, इस तरह से, ठीक है. फिर माइनस है और देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में वन, तो वन इंटू फिर से क्या होगा, x प्लस फोर पर पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड में वन बाई टू प्लस वन, फिर यहाँ पर ये डी एक्स है ये वाला, ठीक है. देखिए इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये मेरा अलग है, इसको हम अभी तो भी दिखाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू लिखेंगे क्या हुआ, ये वन प्लस टू थ्री डिवाइडेड टू, तो फिर ये टू ऊपर चल जाएगा, तो टू डिवाइडेड थ्री हो जाएगा, टू डिवाइडेड थ्री एक्स इंटू x प्लस फोर क्या हुआ, ये टू, ये आएगा टू, यहाँ पर टू से वन मल्टीप्लाई टू, तो टू प्लस वन थ्री, थ्री डिवाइडेड टू, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन देखिए ये क्या हो जाएगा, थ्री डिवाइडेड टू, तो फिर ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये टू डिवाइडेड थ्री कॉन्स्टेंट आ जाएगा ये, फिर ऊपर में x प्लस फोर और पावर क्या होगा, थ्री डिवाइडेड टू डी एक्स. एक बार इसका हम और करेंगे, देखिए एक चीज हम आपको समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर x पावर अगर 1 बाय टू है, ठीक है, इसको हमको डायरेक्ट कैसे लिखना है कि यहाँ पर 1 बाय टू है, डायरेक्ट हमको यहाँ पर जोड़ना है 1, मतलब इंटीग्रेशन निकालते समय और डायरेक्ट वो लिखना है, तो क्या जोड़ना है, 1 प्लस टू, 1 प्लस टू कितना होता है 3, तो 3 डिवाइडेड टू लिखना है. जैसे x पावर 1 बाय टू है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, i इक्वल टू एक्स पावर वन प्लस टू है, तो कितना वन डिवाइडेड टू है, तो वन प्लस टू कितना होता है थ्री, बटन कितना है टू,
ये लिखना है 3/2, फिर ऊपर आ जाएगा 2/3, अगले बार 3/2, इस तरह से। ठीक, उसका देखिए यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 एक्स एक्स प्लस 4/3/2 माइनस 2/3, और यहाँ पर देखिए x प्लस 4 पावर क्या 3/2 है, हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। 3 + 2 कितना होगा 5, तो 5/2 एक्स प्लस 4/5/2, अब फिर देखिए नीचे भी 5/2 होगा, तो 5/2, फिर ये 2 ऊपर चलेगा तो 5 यहाँ रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 4/15 + 6 आंसर हो गया ये मेरा, इसको नोट कर लीजिए। फिर ये हम नीचे वाले को बताते हैं, ये मेरा ऊपर वाला का आंसर था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sec x है इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, मेरा फर्स्ट फंक्शन ही है तो फर्स्ट में क्या करना है, ब्रेक करना है, तो sec x फिर sec स्क्वायर x फिर माइनस फिर हॉल इंटीग्रेशन, फिर जिसको हम ब्रेक करेंगे उसका डिफरेंशिएशन लेंगे, तो dy dx sec x है यहाँ पर, ठीक, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, sec स्क्वायर एक्स का dx, फिर कुछ दीजिए फिर dx आएगा इस तरह से। यहाँ पर देख लीजिए इतना तो हो गया है, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू सेक एक्स, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, फिर माइनस, और देखिए सेक एक्स का जो यहाँ पर डिवीजन होता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स जो है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, यहाँ पर लिखे 10x, ठीक, फिर ये dx आएगा यहाँ से, ठीक है, फिर से इसको लिख लीजिए यहाँ पर एक बार, आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक एक्स है और यहाँ पर 10x है, ठीक है, इसको लिख लीजिए 10 स्क्वायर एक्स, लिख लीजिए इसको डी एक्स, इसको पहले नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर हॉल इंटीग्रेशन है, देखिए यहाँ पर सेक एक्स है, इसको यहाँ पर लिखे हैं सेक एक्स, 10 स्क्वायर एक्स को हमेशा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फिर डी एक्स, फिर उसको से मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स इंटू 10x माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सेक एक्स है और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, इससे क्यूब एक्स हो सकता है कि यानी मतलब आई इक्वल टू ऐसा, तो यहाँ पर इसको हम इस इंटीग्रेशन को अंदर लेते हैं, यहाँ पर आई इक्वल टू क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x फिर माइनस में क्या होगा सेक क्यू एक्स और डी एक्स, फिर इसको लेते हैं सेक एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये आई है, इस पूरे टर्म्स को हम क्या आई लिख सकते हैं, यहाँ पर सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या सेक क्यू एक्स हो सकता है क्या, इसको हम लिखेंगे ये, फिर इसको यहाँ पर आई लेते हैं सेक एक्स इंटू 10x फिर माइनस में इक्वल टर्म्स में क्या हो जाएगा आई हो जाएगा क्या आई, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेक एक्स डी एक्स है, मेरा जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन से सेक एक्स इंटू डी एक्स ये क्या होता है, इसका फार्मूला लॉग सेक एक्स प्लस 10x, वही हम यूज करेंगे यहाँ पर लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी इस तरह से। अब देखिए इसको अभी प्लस सी मत लगाइए, ठीक है, अब ये आई इधर आएगा यहाँ पर माइनस नहीं, इधर क्या आएगा 2i होगा सेक एक्स इंटू 10x माइनस लॉग सेक एक्स प्लस 10x।
अब देखिए आई इधर आएगा, आई इक्वल टू, ये तो पूरा में टू हो जाएगा ना, तो क्या होगा, वन डिवाइडेड टू सही एक्स इंटू टेन एक्स माइनस लॉग सेग एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस अब सी होगा। मेरा ये आंसर था इस तरह से, कोई अगर दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसको हम कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से हम तोड़े, इसको नोट कर लीजिए।